अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कल मुझे किसी ने कमेंट में कहा कि आप यूनिकॉर्न बनाना सिखाएं। मेरे पास ऑर्डर आया है यूनिकॉर्न केक का, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। आज हम बिल्कुल बेसिक सा यूनिकॉर्न बनाना सीखेंगे। ये जो पिक्चर में है, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था ये केक, और इसके साथ जो यूनिकॉर्न है, यही वाला यूनिकॉर्न आज हम बनाएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा यूनिकॉर्न है, इसमें किसी भी किस्म के टूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कोई टूल हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट घर पे भी मौजूद होगा आपके पास। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सा भी स्पेशल टूल हो इसके लिए। सबसे पहले तो आप फोंडेंट की एक बॉल लें, उसको अच्छे से रोल कर लें गोल बिल्कुल, और उसके बाद फिर एक उससे थोड़ी बड़ी बॉल लें आप। लेट्स से कि अगर आप जो पहली बॉल बनाई है आपने, वो उसके हेड के लिए बनाई है, वो 5 ग्राम फोंडेंट है अगर, तो जो दूसरी बॉल आपने बनानी है वो आपने 8 या 10 ग्राम की बनानी है, ठीक है। उसके बाद उसको आपने शेप कर लेना है जिस तरह से मैंने किया है। टॉप से आपने थोड़ा बारीक रखना है और बॉटम से आपने उसको चौड़ा रखना है। ये उसकी बॉडी होगी। उसके बाद जो उसका हेड है, उसको इस तरह से आपने अपनी फिंगर से उसमें एक इंडेंट दे देना है। यहाँ पे उसकी हम आइज़ बनाएंगे। इसके लिए अक्सर लोग फोंडेंट टूल यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपनी फिंगर से बना रहे हैं। उसके बाद जी एडेबल मार्कर से मैंने उसकी आइज़ बना दी। आइज़ हमने इस तरह से बनाई है कि वो आंखें बंद हैं, जैसे स्माइल करते हुए आंखें बंद हो जाती हैं अक्सर। ये देखें जिस तरह से वो कैमरा से बाहर हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। ये टूल मैंने यूज़ किया है इसकी स्माइल बनाने के लिए। अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली एक जो थोड़ा चौड़ा वाला स्ट्रॉ होता है उसको आधा काटें और उसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने उसके बाल बनाने हैं डिफरेंट कलर्स के। आपके केक में जो कलर्स हैं, जाहिर है आप वो कलर्स ही यूज़ करेंगे अपने यूनिकॉर्न के ऊपर भी। मैंने बस रैंडम कलर्स यूज़ किए थे क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बना रही थी ये यूनिकॉर्न। अच्छा जी, इस तरह से अपने 3 स्ट्रैंड्स जो है वो बना लेनी है एक साइज़ की, और उसके बाद हम यूनिकॉर्न के जो कान हैं वो बनाएंगे। कान बनाने के लिए आपने सिंपली एक छोटा हार्ट शेप कटर ले लेना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सभी के पास होता है। अगर वो आपके पास नहीं है तो भी आप सिंपल नाइफ से एक त्रिकोण की शेप काट लें, वो भी आपका काम कर देगा सिमिलरली ही। अच्छा जी, अगर तो आप हार्ट शेप से बना रहे हैं तो हार्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको आपने थोड़ा सा आपस में चिपका देना है, बिल्कुल जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी वीडियो में, इस तरह से। और उसके बाद आपने इसका जो कोने वाला पार्ट है वो आपने ऊपर रखना है और उसको उसके सर पर लगा देना है। मैंने थोड़ा दूर दूर लगाया था। असल में प्लेसमेंट का आपको तब पता चलता है जब आप इसके बाल वाल जो हैं वो लगा देते हैं। फिर मैंने इसकी जगह चेंज कर दी थी कानों की। अभी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि जो बकरी का बच्चा होता है ना, उसके कान इतने दूर दूर होते हैं। अब क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है और फोंडेंट बहुत सॉफ्ट होता है और उसके साथ हाथ भी चिपकता है, तो फोंडेंट फिगरीन्स बनाते हैं आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ भी आपके हाथ लग गया, हल्की सी उंगली लग गई, वहाँ से ये इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो अगर आप एसी के कमरे में बैठ के काम करें तो ये वाला मसला बहुत हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट जब हम यूनिकॉर्न का जो हॉर्न होता है वो बना लेंगे। आपने वाइट कलर का या किसी भी कलर का फोंडेंट लेके बारीक रोल करना है। उसके बाद उसको उसके दोनों सिरे जोड़ लेने आपस में और उसे मोड़ लेना है आपने। तो ये आपका यूनिकॉर्न का जो सींग है वो बन जाएगा और आप उसे सिंपली उसके सर पे लगा दें। मैंने किसी भी किस्म का कोई भी फ्लोरल वायर वगैरह या कुछ भी स्क्यूअर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इसे बाद में दोबारा से डिसअसेंबल कर देना था। लेकिन आप जब बना रहे हो तो इसके यूनिकॉर्न हॉर्न है जो इसके अंदर, आप फ्लोरल वायर जो बारीक वाली होती है वो ज़रूर लगाएं, वरना यह गिर ना जाए। अब हम अपने यूनिकॉर्न के बाजू बना लेंगे। बाजू हमने थोड़े से लंबे बनाने हैं और बिल्कुल उसकी नेक के पास से लेके नीचे तक हमने बनाने हैं। थोड़ा सा क्यूट सा हमने क्योंकि ये बनाया है कार्टूनिश सा, तो ये इसी तरह से ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो वो बना लिया। उसके बाद उसकी हमने लेग्स बनाई हैं और इस तरह से उनको प्लेस कर दिया, और जी हमारी यूनिकॉर्न कंप्लीट है। आपको कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा हो इसमें, समझ नहीं आया अगर कुछ, तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। लेकिन होपफुली कोई मसला नहीं आया होगा, बहुत सिंपल सा था ये। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके जो टांगे थी उसके, वो फ्रंट से सामने से नज़र आ रही थी, तो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे 2 हार्ट्स काट के लगा लिए। आप चाहे तो राउंड में काट के ना फोंडेंट को,
वो भी आप लगा सकते हैं और उसके ऊपर आप गोल्डन कलर भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी आप करना चाहें। एक हार्ट जो है मैंने उसके चेस्ट पे भी लगा दिया और जो उसका यूनिकॉर्न हॉर्न था उसको मैंने गोल्डन कलर कर दिया। उसके बाद जी हमारा यूनिकॉर्न कम्प्लीट। बॉडी से हेड अटैच करने से पहले मैंने हल्का सा पानी लगा दिया था उसके जहाँ पे नेक अटैच होनी थी और स्क्योर ऐड किया, और ये जी हमारा यूनिकॉर्न बिल्कुल कंप्लीट है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा क्यूट सा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं इसका मज़ीद कॉम्प्लेक्स वर्जन बनाना भी सिखाऊंगी जिसमें आईज़ खुली होंगी, क्योंकि आईज़ बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।